हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 शुरू करेंगे हम। उसके आज आपको पहले 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फंक्शन। हमें एक फंक्शन गिवन है साइन स्क्वायर 2x+5 इंटू dx, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन और पावर लगी हुई है 2, तो सबसे पहले हमें इस साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना है। कैसे? तो यहां पर एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूं आपके लिए। 1 cos 2a जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 sin² a, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहां से अगर साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगी, 1 cos 2a, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, मतलब जो ये a है, एंगल है, ये यहां 2a हो जाएगा, डबल हो जाएगा एंगल। तो ये ध्यान रखना है आपने जब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कर रहे हैं 1 cos, एंगल जो है 2x+5, ये डबल करना है, यानी 2 × 2x+5, और सारे के अपॉन में ये 2 एज इट इज इंटू dx। इससे क्या हुआ देखिए, ये इस तरह से बन जाएगा 1 cos, अब ये जो 2 है ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो एंगल हो जाएगा 4x+10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। आप चाहें तो ये 1/2 बाहर कॉमन ले सकते हैं सारे में से, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 1 cos 4x+10 और इंटू में dx, राइट। तो देखिए इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है, एक तो इंटीग्रेशन होगा 1 का और एक होगा cos थीटा का। तो आपको पता, देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होता है, मैं यहां लिख भी देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx होता है x + c, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, cos x इंटू dx, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x + c, राइट। तो ये जो फॉर्मूले हैं दो, ये हमने यहां पर यूज करने हैं। तो देखिए कर रहे हैं 1/2 एज इट इज बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos का इंटीग्रेशन होगा साइन इंटू 4x+10, एंगल सेम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो एंगल होता है उसके डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना होता है, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। और डेरिवेटिव कितना है एंगल का, डेरिवेटिव देखिए मैं लिख रहा हूं 4x+10। ये स्टेप चाहे तो आप लिखने की जरूरत नहीं है, स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि समझा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाए। तो 1x माइनस साइन, एंगल रिमेन सेम 4x+10, डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, तो 4x का डेरिवेटिव कितना होगा 4, राइट। तो ये हमारे पास जो है फंक्शन बन जाएगा इंटीग्रेशन गिवन फंक्शन का। देखिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x। दो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, दोनों प्रोडक्ट में है, तो हमेशा याद रखना जब भी दो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के प्रोडक्ट में गिवन हो या 3 हो, तो सिंपल रूल है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो यही होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। आपने पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए जब इस पूरे फंक्शन को 2 से डिवाइड करते हैं तो बाहर लिख देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस 4x इंटू dx। ये हमारे पास अब फंक्शन बन गया। इसको मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा हुआ, देखिए क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपको बताया हुआ है 2 sin a cos b। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, 2 sin a cos b, क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है sin a+b + sin a-b। यहां पर जो a और b है वो आपके एंगल्स हैं, तो हमारी स्टेटमेंट में a के प्लेस पे तो 3x लिखा है और एंगल b के प्लेस पे 4x लिखा है। तो यही हमने यहां पर एंगल की फॉर्म में फॉर्मूला अप्लाई कर देना है इंटीग्रेशन करने से पहले। 2 sin a cos b क्या होगा, sin a+b, यानी जो एंगल्स हैं वो दोनों प्लस हो जाएंगे 3x + 4x, ठीक है। प्लस ये जो मल्टीप्लाई का साइन है प्लस में कन्वर्ट हो गया, sin a-b, अब दोनों को माइनस कर देना, यानी 3x - 4x, राइट, इंटू में dx। तो यानी जो प्रोडक्ट फंक्शन था ये अब प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दो फंक्शन आगे ट्रिग्नोमेट्री की लेकिन अब प्लस साइन के साथ है। तो देखिए सॉल्व करते हैं एक स्टेप और, 1/2 इंटीग्रेशन साइन
थ्री एक्स प्लस फोर एक्स होता है सेवन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स माइनस फोर एक्स है तो माइनस एक्स आएगा और इंटू में डीएक्स। यहां पर इस स्टेप को नोट करना है। यहां पर एक और फॉर्मूला है, देखिए बता रहा हूं, साइन जो माइनस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब जो माइनस साइन होता है एंगल के साथ वो बाहर आ जाता है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो यहां पर भी यही चीज यूज करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन सेवन एक्स जो ये माइनस साइन है बाहर हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है माइनस साइन एक्स इंटू dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखिए बहुत आसान है क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा प्लस सी। ये फॉर्मूला है साइन के इंटीग्रेशन का, थीटा एंगल है, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना ही होता है आपको पता है। तो देखिए कर रहे हैं वन अपॉन टू, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस 7x, एंगल सेम और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड, तो एंगल का डेरिवेटिव 7x का डेरिवेटिव 7 से डिवाइड कर दिया, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लिखना, तो माइनस कॉस एंगल रिमेन सेम x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल x का डेरिवेटिव 1 और साथ में प्लस सी। अब आप चाहें तो 1 बाय 2 से ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, देखिए 1 बाय 2 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, बनेगा माइनस 1 अपॉन 2, 2 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 14 बन जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 14 कॉस 7x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस x प्लस c, तो दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल सेकंड की तरह है लेकिन क्या फर्क है, अब की बार तीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कॉस 2x कॉस 4x कॉस 3x तीनों मल्टीप्लाई में। तो सबसे पहला स्टेप देखिए क्या कर रहे हैं, जो बड़े वाला एंगल है हम पहले लिख रहे हैं cos 6x पहले लिख लिया मैंने, फिर cos 4x लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू dx। और इसके बाद हमने आपको पहला स्टेप जो बताया था वो क्या था, वो था मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 से डिवाइड करना है। तो क्या होगा देखिए, डिवाइड कर रहे हैं 1 अपॉन 2 लिखा जाएगा बाहर और अंदर 2 cos 6x into cos 4x, ये दो कंबाइन कर लेते हैं टर्म्स, तीसरी टर्म जो है cos 2x वो ब्रैकेट के बाहर ही रखते हैं, अभी इसको अलग कर लेंगे into dx। यहां पर इस ब्रैकेट में आपने 2 cos 6x cos 4x जो आया है यहां पर हमने फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला में लिख देता हूं 2 cos a cos b का, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था cos a plus b plus cos a माइनस बी। अब a माइनस बी आया हमने जानबूझ के a को बड़ा एंगल पहले लिखा ताकि नेगेटिव साइन ना आए और हमारा जो क्वेश्चन है वो स्मूथ रहे। तो देखिए जो एंगल a है अब वो 6x है और जो एंगल b है वो 4x है, तो ये अप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या बनेगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन cos a प्लस बी यानी 6x प्लस 4x फिर प्लस cos a माइनस बी यानी 6x माइनस 4x, ये सारा एक ब्रैकेट में है और इंटू में ये जो बाहर लिखा है cos 2x इसको एज इट इज रहने देते हैं, नो चेंज इंटू dx, राइट। अब देखिए 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ये 6x प्लस 4x ऐड हो जाएंगे cos 10x बन जाएगा प्लस 6x माइनस 4x cos 2x, ये सारा एक ब्रैकेट में है इंटू में cos 2x बाहर है इंटू dx। अब हमारे पास ये दो जो ब्रैकेट आई है cos 10x प्लस cos 2x हमने इसको ओपन करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है मतलब हमने इस cos 2x से पहले cos 10x को मल्टीप्लाई करना है फिर cos 2x को मल्टीप्लाई करना है। देखिए करके लिख रहे हैं मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन cos 10x cos 2x से मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा cos 10x * cos 2x प्लस और cos 2x मल्टीप्लाई cos 2x होगा तो cos स्क्वायर 2x बन जाएगा राइट इनटू में dx। अब क्या करना है, अब हमने ये टर्म एक मल्टीप्लाई में है और एक प्लस में है तो क्या करना है, इनको हम दो अलग अलग इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 1 बाय 2 इंटीग्रल ये टर्म एक अलग इंटीग्रेशन में लेते हैं cos 10x into cos 2x प्लस साइन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन इसको अलग कर लेते हैं cos स्क्वायर 2x into dx और यहां भी into dx, बहुत जरूरी है dx के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है। तो अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन है इनको हमने सॉल्व करना है और इनकी अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, तो देखिए करते हैं, आइए यहां लिखता हूं मैं, फिर से लिखता हूं स्टेटमेंट 1 बाय 2 इंटीग्रेशन cos 10x into cos 2x
इंटू डी एक्स प्लस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर टू एक्स इंटू डी एक्स। तो फर्स्ट टर्म में तो देखिए जो है वो दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहला स्टेप वही वाला मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, ये करना। तो वन बाय टू पहले से है, एक और टू से डिवाइड करेंगे तो वन बाय फोर बन जाएगा। इंटीग्रेशन टू कॉस टेन एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स प्लस, और ये जो है वन बाय टू कॉस के टू एक्स, यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मैं लिख देता हूं कि वन प्लस कॉस टू ए जो होता है वो टू कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है टू अपॉन में आ जाएगा वन प्लस कॉस टू ए अपॉन टू जो है दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। मतलब यहां पर भी सीधी सी बात है, जो एंगल ए है वो डबल हो जाता है टू से मल्टीप्लाई होता है, तो यहां पर वही यूज करेंगे हम। देखिए प्लस ये वन बाय टू एज इट इज रहने वाला है इंटीग्रेशन, और इसकी जगह लिख रहा हूं वन प्लस कॉस टू ए, एंगल डबल हो जाएगा, पहले टू एक्स है तो अब मतलब फोर एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाय टू इंटू डी एक्स। अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले तो यहां पर जो फॉर्मूला है टू कॉस ए कॉस बी का लिखा भी हुआ है, फिर से लिख रहा हूं याद रखने के लिए ताकि आपको याद हो जाए चीजें अच्छे तरीके से। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये हमने यूज कर रहे हैं, पिछले स्टेप में भी यूज किया था, फिर से यूज कर रहे हैं। क्या आएगा वन बाय फोर बाहर है, इंटीग्रेशन कॉस ए है एंगल टेन एक्स और बी है टू एक्स, तो यानी टेन एक्स प्लस टू एक्स और प्लस साइन कॉस, फिर ए माइनस बी करना है यानी टेन एक्स माइनस टू एक्स, और ये पूरा का पूरा इंटू में डी एक्स प्लस, ये वन बाय टू और टू मल्टीप्लाई हो जाएंगे वन बाय फोर इंटीग्रेशन साइन से बाहर, और अंदर बचेगा वन प्लस कॉस फोर एक्स इंटू डी एक्स। राइट, अब हमने इसको एक स्टेप और सॉल्व करना है वन बाय फोर इंटीग्रेशन। देखिए कॉस टेन प्लस टू कितना होगा ट्वेल्व, कॉस ट्वेल्व एक्स, फिर प्लस कॉस टेन माइनस टू 8x इंटू डी एक्स प्लस वन अपॉन फोर इंटीग्रेशन वन प्लस कॉस फोर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कॉस 12x का इंटीग्रेशन कॉस 8x का और कॉस 4x का हमने लिखना है, तो कॉस x का इंटीग्रेशन बेसिकली लिखना चाहते हैं, तो फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इंटू डी एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन x प्लस सी, और एंगल जो भी है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड तो करना ही करना है, तो यही अप्लाई करेंगे। देखिए यहां पर 1 अपॉन 4 cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, 12x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना यानी डिवाइड बाय 12, फिर प्लस sin 8x डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 8x का डेरिवेटिव 8, ये तो अलग हो गया, प्लस 1 अपॉन 4 और यहां पर 1 का इंटीग्रेशन x और फिर से sin 4x का इंटीग्रेशन कॉस 4x और डिवाइड बाय 4x एंगल है उसका डेरिवेटिव 4, और साथ में प्लस सी लगा देंगे एक बार। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, देखिए 1 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 1 अपॉन 48 साइन 12x प्लस 4 से 8 मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 32 साइन 8x प्लस 1 बाय 4x प्लस ये 4 4 मल्टीप्लाई देंगे 1 अपॉन 16 cos 4x plus c, this is the answer। देखिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज का, अब की बार क्यूबिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है sin क्यूब 2x plus 1। तो देखिए जो क्यूब फंक्शन है इसको हम थोड़ा स्प्लिट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x plus 1 into sin 2x plus 1, यानी 2x और 1 की फॉर्म में हमने स्प्लिट कर लिया into dx, तो क्यूब ही आएगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास एंगल, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है क्लास टेंथ में पढ़ा था हमने, वो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना, तो ये फॉर्मूला अब हम यहां पर यूज कर लेंगे। देखिए क्या आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर, एंगल सेम रहेगा टू एक्स प्लस वन, राइट, और ब्रैकेट के बाहर इंटू में साइन टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करने के लिए और आसान बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये कॉस वाला फंक्शन है इसको सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। देखिए पुट कर लेते हैं, पुट कॉस 2x प्लस 1 जो है इज इक्वल टू टी कर लेते हैं,
तो जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंगल सेम 2x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो 2 है और ये माइनस साइन ये अपॉन में चले जाएंगे वहां, तो ये साइन 2x प्लस 1 इंटू dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 2 dt। ये वाला 2 जो है इसके अपॉन में आ गया इधर, यहां 1.2 बन गया। तो ये देखिए ये जो वैल्यू आ गई है, ये बॉक्स में जो बना दी मैंने साइन 2x प्लस 1 dx, ये इसकी वैल्यू है माइनस 1 बाय 2 dt। अब हमारा जो इंटीग्रेशन फंक्शन ही बन जाएगा 1 माइनस कॉस को हमने t पुट कर लिया था t स्क्वायर, और माइनस 1 बाय 2 बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से, और इसकी वैल्यू है dt। तो देखिए कितना आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना और आंसर आ जाएगा। तो माइनस 1 बाय 2 बाहर, और देखिए 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t आएगा माइनस, और टी स्क्वायर का पावर में एक ऐड, पावर से डिवाइड यानी टी क्यूब अपॉन 3 और साथ में प्लस सी। वैसे तो ये फाइनल आंसर आ गया देखिए, लेकिन हमने क्या करना है, हमने वेरिएबल एक्स की फॉर्म में आंसर फाइंड आउट करना है, ये वेरिएबल टी की फॉर्म में आ गया है। तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन था जो हमने एंगल एक्स की फॉर्म में लिया था वापिस वो रख देते हैं, माइनस 1 बाय 2 टी के प्लेस पे टी की वैल्यू आ जाएगी कॉस 2x प्लस 1 माइनस फिर टी क्यूब है यानी कि कॉस क्यूब एंगल रिमेन सेम 2x प्लस 1 और डिवाइड बाय 3 प्लस सी। माइनस 1 बाय 2 से चाहे तो ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा माइनस 1 बाय 2 कॉस 2x प्लस 1, बाहर माइनस साइन है अंदर भी माइनस है तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 बाय 6 कॉस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी। दिस इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है और प्रोडक्ट में है साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। मैथड वही सेम है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को स्प्लिट कर लेते हैं फिर से। देखिए कैसे, मान लेते हैं हम जो है जो हमारे पास ये साइन क्यूब है इसको तो रखते हैं सेम, और जो ये कॉस क्यूब है इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। राइट, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब ही आएगा। अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था क्लास टेंथ वाला, वही यूज करेंगे कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां यूज कर लीजिए, देखिए क्या होगा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने कॉस क्यूब एक्स को स्प्लिट करना है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स की फॉर्म में, आप चाहें तो साइन क्यूब एक्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं। आप साइन क्यूब एक्स को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, इसको सेम रहने दे, या इसको स्प्लिट कर लें तो इसको सेम रहने दे, दोनों ऑप्शन आपके पास है, दोनों मेथड से आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब हमने क्या करना, देखिए हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, क्या जो साइन एक्स है इसको हम पुट कर लेते हैं, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी ये जो कॉस एक्स डी एक्स है ये बन गया है डी टी। तो क्या फंक्शन में कन्वर्ट होगा, देखिए जो साइन था उसको हमने टी लिया था तो साइन क्यूब है यहां पर, तो टी क्यूब बन जाएगा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स तो बन गया है डी टी। अब आपने ये ब्रैकेट ओपन कर देनी है, तो क्या आएगा देखिए टी क्यूब मल्टीप्लाई 1 टी क्यूब माइनस टी क्यूब को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी रेस टू पावर 5 इंटू डी टी। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, अब आप चाहें तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत आसान है, पावर में एक ऐड, पावर से डिवाइड ही करना होता है। तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड 3 प्लस 1 4 टी रेस टू पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस टी रेस टू पावर 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाय 6 और प्लस सी। सी क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वेरिएबल टी की फॉर्म में आंसर आ गया, हमने वेरिएबल एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो जो सब्स्टिट्यूशन लगाई थी टी के प्लेस पे साइन एक्स इक्वल टू टी वो वापिस रख देते, क्या बन जाएगा साइन रेस टू पावर 4x डिवाइड बाय 4 माइनस साइन रेस टू पावर 6x डिवाइड बाय 6 प्लस सी। सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, तीन फंक्शन है मल्टीप्लाई में तीनों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो बड़े वाले एंगल है वो पहले लिख लेते हैं साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन एक्स राइट, और इंटू में डी एक्स। अब हमने क्या करना, देखिए ये हमारे पास तीन एंगल हैं, इन तीन में से कोई भी दो सिलेक्ट कर सकते हैं आप, तो मैं साइन 3x और ये साइन एक्स ये कंबाइन कर लेता हूं,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू साइन x, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये जो साइन 2x है इसको अलग रख लेते हैं, ठीक है। क्या बेनिफिट होगा अब इससे, देखिए हमारे पास जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू, वही करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। क्या आएगा देखिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन बाय टू तो बाहर आ जाएगा, और दो से मल्टीप्लाई करना है तो टू साइन थ्री एक्स इंटू साइन एक्स, और ब्रैकेट के बाहर इंटू में साइन टू एक्स डी एक्स रिमेन सेम। तो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, देखिए अब यहां पर देखिए हमारे पास आ गया टू साइन ए साइन बी। तो टू साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, वो होता है टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हम फॉर्मूला यहां पर यूज कर लेंगे तो क्या बनेगा देखिए, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन, जो ए है हमारा वो एंगल थ्री एक्स है और जो बी है वो एंगल है एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस बी लिखना पहले, यानी थ्री एक्स माइनस एक्स, फिर माइनस साइन कॉस ए प्लस बी, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे अब थ्री एक्स प्लस एक्स लाइक दिस, ठीक है। इंटू में जो है साइन टू एक्स बाहर लिखा था ये सेम रहने वाला है, साइन टू एक्स इंटू डी एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप देखिए एंगल्स को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉस थ्री एक्स माइनस एक्स क्या बचेगा, कॉस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स कॉस फोर एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर इंटू में साइन टू एक्स डी एक्स। देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच गया है वन अपॉन टू कॉस टू एक्स माइनस कॉस फोर एक्स इंटू साइन टू एक्स। हमने क्या करना है, अब ये ब्रैकेट ओपन करनी है, यानी ये साइन टू एक्स पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा देखिए, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स इंटू साइन टू एक्स माइनस साइन कॉस फोर एक्स इंटू साइन टू एक्स, और ब्रैकेट के बाहर है डी एक्स एज इट इज। अब हमने क्या करना है, ये जो दो टर्म्स हैं इनको दो अलग अलग इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहला इंटीग्रेशन बना लेते हैं वन बाय टू कॉस टू एक्स इंटू साइन टू एक्स डी एक्स माइनस वन बाय टू बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन, और दूसरा इंटीग्रेशन बन जाएगा कॉस फोर एक्स इंटू साइन टू एक्स इंटू डी एक्स। अब दो अलग अलग इंटीग्रेशन है, दोनों में ही दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और मल्टीप्लाई में है, तो रूल आपको पता है क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू दोनों इंटीग्रेशन के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए जब दो से डिवाइड करेंगे तो जो वन बाय टू है ये बन जाएगा वन बाय फोर इंटीग्रेशन टू कॉस टू एक्स साइन टू एक्स इंटू डी एक्स, और जब इसको करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वन बाय फोर इंटीग्रेशन टू कॉस फोर एक्स इंटू साइन टू एक्स डी एक्स। अब देखिए ये कॉस टू एक्स साइन टू एक्स यानी कॉस ए साइन बी, यहां भी कॉस फोर एक्स साइन टू एक्स यानी कॉस ए साइन बी सेम एंगल है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला है टू कॉस ए साइन बी का, वो होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, देखिए वन बाय फोर इंटीग्रेशन, यहां भी यही अप्लाई कर सकते हैं, यहां भी यही अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आपने एक और सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, यही फॉर्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, क्या है वो है टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू साइन टू ए, मतलब अगर ये एंगल ए और बी जो थे इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए, यहां भी ए लिख दें यहां भी ए लिख दें, जैसे लिख दिया तो ए प्लस ए टू ए आ गया, माइनस ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो तो जीरो ही होता है, तो सिर्फ साइन टू ए बचेगा। तो आप इस फॉर्मेट में इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, साइन टू ए यानी जो एंगल है टू एक्स वो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डबल हो जाएगा फोर एक्स इंटू डी एक्स। ये तो ये पहला इंटीग्रेशन तो ये बन गया, माइनस वन बाय फोर। दूसरे इंटीग्रेशन में भी यही फॉर्मूला, पहले दोनों एंगल को साइन के साथ प्लस करके लिखना है, यानी फोर एक्स प्लस टू एक्स, फिर माइनस साइन, अब दोनों एंगल को ए माइनस बी माइनस करना है, यानी फोर एक्स माइनस टू एक्स, और ब्रैकेट के बाहर डी एक्स वो रह गएगा। साइन फोर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, यानी फोर एक्स तो एंगल सेम और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड फोर, ये तो हो गया इंटीग्रेशन, माइनस वन बाय फोर। इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं,
यहां पर आएगा साइन 4 प्लस 2 6 एक्स माइनस साइन 4 माइनस 2 2 एक्स इंटू डी एक्स, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 1 बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 16 कॉस 4 एक्स माइनस 1 बाय 4 और यहां इसका इंटीग्रेशन साइन 6 एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 6 एक्स और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 6 और यहां पर माइनस साइन 2 एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 एक्स और डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल 2 एक्स का डेरिवेटिव 2। एंगल से डिवाइड करना ना भूलें, प्लस भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये आंसर बनेगा हमारा माइनस 1 अपॉन 16 कॉस 4 एक्स माइनस ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 बाय 24 कॉस 6 एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, बाहर माइनस है फिर से माइनस हो जाएगा, 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 अपॉन 8 और ये आ गया कॉस 2 एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो देखा बच्चों आपने, ये थे क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.3 7 चैप्टर इंटीग्रेशन का पहले 6 सवाल। आपने वीडियो को पूरा देखना है, सभी सवालों को अच्छे से समझना है, लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि मैथ्स लिखने से आता है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, क्लास 12th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करें। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि वैदिक गुरुज आपके लिए अगले क्वेश्चन बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। Thank you.